श्री गणेश चतुर्थी के लिए मैं एक क्लाइंट का गाना बना रहा था, तो मैंने क्या किया कि अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो जाए और आपके साथ वो चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ। तो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, पूरी वीडियो जैसी ये बन गई है। बट रोज अगर मैं 2-2 घंटा बैठ रहा हूँ तो करीब करीब ये 10-12 घंटे की वीडियो हो गई है। अब इतनी बड़ी अगर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको देखने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने क्या किया कि जो चीज़ें अननेसेसरी थी उनको मैंने काट के निकाल दिया है और कुछ चीज़ें मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करते हो क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हो। तो मैं पहले उनसे बता दूं कि भाई उतना सेंस मुझे है कि मुझे कुछ छुपाना होता ना तो मैं उसको काट के निकाल देता, लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता रहे कि इस साउंड से ये साउंड कैसे गया। अगर मैं बीच की चीज उड़ा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां से यहां कैसे आया, तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई यहां से ये चीज ऐसे हुई है। नहीं तो आपको सीधे एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे जंप करोगे आप तो आपको समझ में आएगा नहीं कि यार ये कैसे, वो जो डेविएशन डिफरेंस आया ये कैसे आया। ठीक है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है और ये चीज़ बस इसलिए की जाती है ताकि मैं आपकी टाइम सेव कर पाऊँ, आपको बहुत लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। और बहुत सारे लोग लंबी वीडियो में इंटरेस्टेड होते भी नहीं है। बस मकसद ये है कि अगर मैं 12 घंटे की वीडियो आपके सामने रखूंगा तो शायद आप ना देख पाओ पूरी, बट अगर आप 12 घंटे की वीडियो देखते भी हो लेकिन वैल्यू आपको उतना नहीं मिलती जितना 12 घंटे आपको लगा के मिलनी चाहिए तो भी ये चीज़ें सही नहीं है। इसलिए मैं वो चीज़ें काट दिया हूँ जो चीज़ आपके काम की नहीं, जो चीज़ रिपीट हो रही है, और उतनी चीज़ रखा हूँ जो कि आपके काम की है, जो कि आपको हेल्प करेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया गया आपका टाइम सेव करने के लिए किया गया, बट अगर आप में से काफी लोग ये चाहते हैं कि वो फास्ट फॉरवर्ड ना किया जाए तो मैं क्या करूंगा कि आगे की वीडियो से वो चीज मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा ताकि आप उसको आराम से देख पाओ। ठीक है, तो मैं कोई जब ट्रैक यूज करता हूं तो मैं बीच में कुछ प्लगइन्स भी लगा देता हूं जो वीएसटी इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें दिखाई, कुछ कुछ चीजें मैंने कट की, बट अगर आपको वो भी देखना है तो आगे की वीडियो से वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अभी इस वीडियो में बस मैंने प्रोडक्शन वाला पार्ट अरेंजमेंट पे फोकस किया हुआ है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी रिकॉर्ड है, हमने काट के छोटा किया, उसके बाद मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपको दे रहा हूं ताकि आप छोटा छोटा पोर्शन में देखो और चीजें समझ पाओ। तो आज के पोर्शन में एक 20% ऑफ द वीडियो, 20% ऑफ द म्यूजिक प्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। आगे की वीडियोस में फिर हम देखेंगे ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट आएगी। मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट कुछ होना चाहिए या फिर 2-3 पार्ट कुछ होना चाहिए। आज पहला पार्ट है एंड आई होप कि आप ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। और लास्ट में एक चीज और कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है बट मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊँ इसके लिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरे सामने है और मैं इसको प्ले करूंगा और मैं आपको बताते चलूंगा कि क्या चीजें क्यों की गई है। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पे। गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। तो ये एक स्क्रैच वोकल्स है, सुर काफ़ी गए हुए हैं इसलिए जब शुरू में कॉर्ड लगेगा तो थोड़ा सा आपको वोकल्स ऑफ फील होगी, बट आगे हम फाइनल वोकल्स लेंगे उसमें भी थोड़ा सुर इधर उधर होगा, उसको हम ट्यून कर लेंगे तो एक गाना आपको आगे के पार्ट्स में आपको पता चलेगा कि हाँ ये वोकल सही हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ, मैं गिटार का इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ और प्लगइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है आपका कॉन्टैक्ट का इवोल्यूशन स्टील गिटार्स। तो यहाँ पे एक पोर्शन मैंने छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया था, इंट्रो बना रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे, और मैंने दूसरा भी थोड़ा सा उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको मैं की एडिटर में खोल के एडिट करूँगा, थोड़ा मोटा नोट्स अगर मुझे ऐड करने या कुछ करना है तो मैं उसके बाद करता हूँ ये चीज़ें। तो ये दो नोट मैंने और यहाँ पर ऐड किए और एक मैं की एडिटर से कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, मैं कन्वर्ट करते रहता हूँ, मैं मीडी में नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि सीपीयू पे बहुत लोड जाता है। ऊपर से मैं उस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और काफ़ी लोड डालता है वो सिस्टम पे, इसलिए मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। और ऑडियो में कन्वर्ट करके मैं कुछ एडिट भी करता हूँ इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए चीज़ों को मीडिया से ऑडियो में कन्वर्ट करना, बट मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंट्रो के लिए मैंने थोड़ा सा गिटार रिकॉर्ड कर लिया, फिर जो गाने का कॉर्ड है उसमें हम लोग थोड़ा सा गिटार आगे रिकॉर्ड करें जहाँ से हमारा वोकल्स शुरू हो रहा है। इसको मैंने पूरा बना के कन्वर्ट कर लिया ऑडियो में। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, ये चल रहा है और मैं गिटार जो है गिटार का वीएसटी वो मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कोई एक मेलोडी लेके आऊँ। अभी यहाँ पे वो थोड़ा सा मैं ऑफ भी प्ले किया हूँ बट आगे जाके वो चीज़ मैं सही प्ले करूँगा।
तो इतना मैं प्ले किया था इसको, मैंने रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग से लाया है और अभी इसको मैं काट छाट करके जो मेरी जरूरत का होगा उसको मैं रख लूंगा। तो ये पोर्शन मैंने रखा है, इसको सुनते हैं कैसा लगता है ये। अब मैंने यहाँ पे एक नोट रिकॉर्ड किया, उसमें मैं रिवर्ब लगा दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको रेंडर करूँगा ऑडियो में, फिर उसका रिवर्स कर दूँगा। इसकी ये जो दो रेंडर आप देख रहे हो, पहला रेंडर ड्राई है, दूसरा रेंडर में रिवर्ब लगा है। आपको वेव फॉर्म भी देख के समझ में आ जाएगा, दूसरा जो वेव फॉर्म है उसका सस्टेन थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैं क्या करूँगा रिवर्स कर दूँगा अभी। बट इसको जब मैंने सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये नोट ऑफ जा रहा है, मतलब ये जो मैं चाहता था रूट नोट वो नहीं है ये। तो मैं अंडू करके दोबारा गया उस नोट पे और गाना एफ माइनर स्केल में है तो मुझे एफ नोट चाहिए था, बट ये गलती से मैंने इसमें जी शार्प नोट लगा दिया था, तो उसको मैंने सही किया। और सेम काम दोबारा, इसके बाद एक बेस का प्लगइन लिया गया, ABPL2 है, एम्पल गिटार लाइट 2 करके शायद है, ABPL2 लिखा हुआ है और ये फ्री VST है। मैं बहुत सारे गानों में यूज़ करता हूँ, आप इसके पहले का भी मेरा अगर वीडियो देखोगे वहाँ पे भी आपको ये VST मिला होगा ज़रूर। तो बहुत ही ज़्यादा इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने बस रूट नोट प्ले किया गाने का, गाना स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम बेस बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा ग्रूवी नहीं प्ले कर सकते, हम बहुत सिंपल सा रखेंगे क्योंकि गाना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब मैं एक और गिटार की मेलोडी रिकॉर्ड करने के फिराक में यहाँ पे हूँ और इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। अभी जो लास्ट के दो नोट है ना, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा, ये है तो ग्रिड पे है तो टाइम पे, बट मुझे लग रहा था थोड़ा सा यार ये ना नज़दीक चाहिए मुझे। तो मैंने तीन नोट को थोड़ा सा आगे किया और मैंने थोड़ा सा इनका लेवल भी, मतलब इनका वेलोसिटी भी थोड़ा ऊपर नीचे किया। अब जो पहली लाइन है गणना एक आया, वहाँ पे क्या है कि वो थोड़ा सा ना जो नोट है वो ऑफ है, इसलिए वो ऐसा भी लग सकता है आपको कि कॉर्ड सूट नहीं करा, बट कॉर्ड परफेक्ट है। वहाँ पे जो सुर है वो गिरा हुआ है वोकल्स में, हम जब आगे ट्यून करेंगे फाइनल वोकल्स लेके तो ये चीज़ सही हो जाएंगे। ये हमने पियानो लिया हुआ है, ये केस्केप का प्लगइन है और इसका जो प्रीसेट है वो है सॉफ्टेस्ट पियानो, उसको मैंने ऑडियो में रेंडर कर लिया, अब साथ में सुनते हैं कैसा लग रहा है। बेस भी ऑडियो में कन्वर्ट। अब यहाँ पे मैंने स्वर प्लग लिया, स्वर प्लग में मैं घुंघरू का प्रीसेट लिया हूँ और उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे।
इसको देखिए मैंने रेंडर करके ऑडियो में कर लिया। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे बहुत ज़्यादा कि जब भी आप कोई परकशन यूज़ करो या घुंघरू यूज़ करो, ऐसी चीज़ यूज़ करो, तो आपको ये भी सुनना है ध्यान से कि वो जो आपका परकशन है वो ट्यून में है कि नहीं, वो पिच में है कि नहीं। कहीं क्या होता है कि आपका जो गाना है वो किसी और पिच पे है, और ऑब्वियसली आपका जो परकशन होगा वो दूसरे पिच पे होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना किसी अलग पिच पे ना रहे कि वो सुन के लगे कि गाने से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि साथ में चल रही सारी चीज़ें। तो जब मैं ये चीज़ें बनाता हूँ तो उसका ध्यान रखता हूँ। बहुत सारी प्लगइन्स में एक नॉब होता है ट्यून नॉब, तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो कम ज़्यादा है तो आप उसको ऊपर नीचे करके सही कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक शेकर का लूप लिया, ये जो क्यूबिस के सैंपल पैक्स आते हैं उनके साथ ही आता है। ये स्वर प्लक का सरोद है। सरोद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कलंग सॉन्ग में आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं, ताजदारे हरम है वहाँ भी वो बजा हुआ, तो वो यहाँ पे यूज़ मैंने किया। स्वर प्लक का है और प्रीसेट ऑब्वियसली सरोद है, और बहुत सिंपल से मैंने नोट्स प्ले किए। ये चीज़ मैंने दोबारा थोड़ा सा रिकॉर्ड की, जो लास्ट में आपको नोट दिख रहा है सी जी ई, वो मैंने लास्ट में रिकॉर्ड करके उसको रेट्रोस्पेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग पे, तो वो दोबारा आ गया यहाँ पे। कभी ये होता है कि हम प्ले करते हैं बट रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो अगर हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग का फीचर है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, शायद इसको मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो कॉर्ड है उसका फर्स्ट एंड फिफ्थ नोट प्ले हो रहा है उस स्केल का, हो गया ऑडियो में कन्वर्ट। मेरा कैमरा बंद हो गया था, अभी मैंने दोबारा कैमरा चालू किया। अब देखिए जैसे मैंने शुरू के 8 बार, मतलब जहाँ से लिरिक्स शुरू हुआ वहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने गिटार लिया और सेम VST है जो मैंने इसके पहले लिया था, एवोल्यूशन स्टील स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे मैं आगे की भी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। मुझे ये ध्यान देना है कि जो मैं पहले प्ले किया हूँ एग्जैक्ट वैसा नहीं प्ले होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्ले होगा ताकि आपके जो लिसनर वो बोर ना हो। अब आगे मैं बेस ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स लिया, ये आपका कॉन्टैक्ट का क्रिस हेन प्लगइन है। थोड़ा सा मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पे ऑटोमेट करूँगा। और यहाँ पे ना मैंने स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रिंग्स पैड्स को कभी कभी कर देता हूँ, स्ट्रिंग्स ज़्यादा मैं क्वांटाइज करता नहीं हूँ।
और मैंने मजे मजे में यहाँ पे एक फ्लूट रिकॉर्ड किया, सर्प लग का है और बांसुरी, और वो रिकॉर्ड ठीक ठाक हो गया तो मैं इसको रख लेता हूँ। अगेन ये पियानो लेके मैंने इसको बजाया और रेंडर कर लिया। अब ये जो पहले पियानो अगर बजा होता इसमें या मैं बाद में बजाऊंगा तो दोनों का ना पैटर्न चेंज होगा, दोनों एग्जैक्ट नहीं बजेगा। कहीं कहीं होता है कि चीज़ें एग्जैक्ट बजती हैं बट उस बार में या उस पार्ट पे और चीज़ें अलग होती हैं, तो एक आध चीज़ें अगर सेम बजेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम नहीं बदलेंगे यार, सारी चीज़ें बदलती हैं तो ख़राब लगेगा ना। फ्लूट बहुत ज़्यादा फैल रही थी तो यहाँ पे मैंने उसका लोज एंड हाइज कट किया, मैं उसमें रिवर्ब भी लगाया हुआ हूँ। एक हारमोनियम मैंने लिया, ये कॉन्टैक्ट का क्रिस्टोफर करके एक प्लगइन है, ये हल्का सा अकॉर्डियन टाइप साउंड करता है बट फिर भी अच्छा है। अब इसको क्वांटाइज करके मैं इसको रेंडर कर इसमें कुछ प्रोसेसिंग मैं कर रहा हूँ और काट के मैंने इसको थोड़ा छोटा भी किया है। प्रोसेसिंग इसलिए किया जा रहा था ताकि थोड़ा सा पतला साउंड करे, थोड़ा सा वो हाइज बढ़ जाए उसमें और वो मिक्स से बाहर निकल के सुनाई दे। वो रिकॉर्ड हो गया, देखते हैं आगे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक डफ है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, जबकि इस गाने में आगे जाके मैं जो आगे के पार्ट्स उसमें मैंने इसको चेंज कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे ये डिजॉल्व पार्ट मैंने किया मिडी का, जो लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि नोट वाइज वो आपके सेक्शन को सेपरेट कर देता है, मिडी को सेपरेट कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक किक ले रहा हूँ जो कि RMX है, आप नॉर्मल भी किक ले सकते हो, मुझे एक किक वहाँ पे याद थी तो मैंने वहाँ से एक किक ले लिया। ये जो डफ का जो बेस वाला पार्ट था उसी पे मैंने किक को लेयर किया। उसको भी मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने स्नेयर लेयर किया एक सेम RMX।
यहाँ पे डफ का और किक का जो लेवल है वो मैं सही कर रहा हूँ ताकि दोनों साथ में एक अच्छा साउंड करें। इसके बाद मैंने एक पैड लिया यहाँ पे, और ये पैड है पैड यार किसका है, मेरे ख्याल से नेक्सस का होना चाहिए। इसको भी बिना क्वांटाइज के मैंने क्या किया कि रेंडर कर दिया ऑडियो में। यहाँ पे मैंने पियानो रिकॉर्ड करके इसको रेंडर कर दिया। अब देखिए ऐसे जॉनर में ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट का लेवल कम रखते हैं। अभी के जो नए जॉनर्स में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट कम रखते हैं लेकिन दमदार रखते हैं, ताकि कुछ ही इंस्ट्रूमेंट बचे लेकिन बढ़िया लगे कि हाँ भाई भरा भरा साउंड कराए। जो डिवोशन होते हैं ऐसे गाने जो पहले के होते थे, और बहुत पहले के नहीं बट अभी के जो होते थे, उसमें क्या होता था कि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होते थे लेवल कम होता था, तो अलग अलग फ्लेवर में सुनाई देता था कि सुन के हमें पता नहीं चलता था क्या बज रहा, बट वो एक बढ़िया सा फ्लेवर देता था। यहाँ पे गिटार का मैं अलग थोड़ा सा सेक्शन बना रहा हूँ। अब इसको मैंने कर दिया ऑडियो में कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ से हमारा रिदम शुरू हो रहा है, तो हम बेस को थोड़ा सा मूवमेंट वाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रूवी बेस बनाएंगे। तो मैंने वो पहले रिकॉर्ड किया था, लास्ट के जो ये चार नोट है मैंने अभी को रिकॉर्ड किया, मतलब वो रिकॉर्ड करने के बाद। बीच के एक नोट गलती से दबा था तो मैंने उसको डिलीट किया। तीन नोट हमने और ऐड किया। वोकल्स को थोड़ा सा ऑटो ट्यून थोड़ा सा सुनने लगे भी बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे, आइडिया लग पाए फाइनल में कैसा साउंड करे। इसके बाद स्नेयर को मैंने काट के थोड़ा सा आगे लगा दिया ताकि वो एक ठक करके स्टार्ट हो।
इसके बाद एक गिटार का पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया और उसको रेंडर। अब यहाँ पे जो दो गिटार था उसको एक को मैंने राइट कर दिया, एक को लेफ्ट कर दिया, ताकि वो एक स्टीरियो इमेज ऐसा फैल जाए गिटार और बीच में और वोकल्स और बाकी मेन इंस्ट्रूमेंट रहे, क्योंकि गिटार से यहाँ पे ईयर कैंडीज हैं जो कि बस हेल्प कर रहे हैं वो माहौल बनाने की। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि गाना आगे कैसे बना है, आगे कैसे मैंने रिदम को चेंज किया। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो जैसे छोटा सा सेक्शन बना है, आगे एक और सेक्शन आएगा, देन छोटा सा ब्रिज रहेगा, वर्स आएगा, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी। और सब मैंने थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी किया ताकि गाना ऐसा मोनोटोनस ना साउंड करे, ठीक है। तो आप सीखने वाले हो काफ़ी चीज़। तो आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है ऐसे वीडियोज़, तो मैं जो भी गाना बनाता हूँ मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा और आपको बता दूंगा उसके बारे में, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे कैसे गाना बना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।